जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हुई शिक्षक भर्ती जो कि सेशन 2024-25 से जुड़ी हुई है तो बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है और इन सभी वैकेंसीज़ के लिए अभी एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ होने बाकी हैं तो सारी जानकारी बिल्कुल लेटेस्ट है और एक एक करके देखेंगे कुल दस स्कूलों से वैकेंसी आई है जहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस कोई अनुभव नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों पोस्ट हैं इसमें और सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल में सबसे अच्छी सैलरी दी जाती है अगर हम ऐसे नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो जिसमें आपको पी जी टी टी जी -टी, और नॉन टीचिंग सभी पदों पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तो चैनल सब्सक्राइब कर ले आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम सारी जानकारी प्रोवाइड कराते रहते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वहाँ पर भी ये सारी वैकेंसीज पोस्ट कर दी जाती हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली वैकेंसी देखिए जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे से आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे जो कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल है वैकेंसीज फॉर टीचिंग एंड एडमिन स्टाफ जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पीजीटी में तो पीजीटी है केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स अकाउंटेंसी फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश साइकोलॉजी और हिंदी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट एंड बी विद मिनिमम फिफ्टी मार्क्स इन ईच ठीक है टीजीटी में देखिए इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर संस्कृत इन सभी में आपके टीजीटी लेवल पे वैकेंसी है क्वालिफिकेशन मांगी जा रही ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट एंड बीएड विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ईच ठीक है इसके बाद देखिए फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और बी और डी अवॉर्ड बाई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यून आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम वन एडमिक सेशन प्रोवाइड दट द एडमिशन कॉविफिकेशन फॉर द डिप्लो ए इन एटलीस्ट अवर्सिटी डिग्री और बैचलर्स ऑफ स्पोर्ट्स ह्यूमिनिटी एंड फिजिकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ठीक है तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है नोट करेंगे आप प्राइमरी टीचर्स में जिसमें ग्रेजुएट विद टू ईर्स डिप्लोमा इन एलमेंट्री एजुकेशन मांगा जा रहा है यानी तो बी एड किया आपने तो भी अप्लाई कर सकते हैं हम फिफ्टी परसेंट मार्क्स मिनिमम आपके पास होने चाहिए ईज आर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है इसके बाद फिजिकल एजुकेशन फिजिकल ट्रेनिंग टीचर की रिक्वायरमेंट है सातवें नंबर पे देखें आप म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है डांस टीचर की वैकेंसी है काउंसलर है स्पेशल एजुकेटर है और उसके बाद आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में काफ़ी सारे हैं सबसे पहले एल का पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट है उसके बाद एडमिन सुपरवाइजर है उसके बाद आप स्टोर कीपर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसके बाद साइंस लैब अटेंडेंट है और उसके बाद आप देख सकते हैं ड्राइवर की वैकेंसी और गार्डनर की रिक्वायरमेंट है Uh, सीरियल नंबर टू टू फोर जो है कैंडिडेट्स यानी सीरियल नंबर टू और फोर जो आप देख सकते हैं टी जी टी लेवल पर वैकेंसी है और पी आर टी है यानी टू थ्री और फोर इन तीनों पोस्ट के लिए आपके पास सीटेड होना मैंडेटरी है सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी विद सिक्सटी परसेंट मार्क्स एंड वैलिड स्कोर कार्ड इशूड बाई ए डब्ल्यू ई एस ठीक है इसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए फोर्टी ईर्स मिनिमम एज लिमिट रखी गई है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जिनके पास फिफ्टी सेवन ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सत्तावन साल तक के हैं तो मिनिमम फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट टेन ईयर्स अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो आप इतना एज रिलेक्शन ले सकते हैं ठीक है और उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट ड्राइवर एंड गार्डनर आपको करना क्या है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय अ ई मेल आपको करना है कैसे अप्लाई तो सबमिट फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म सुपरस्क्राइब्ड ऑन दिन एनवेलप मेंशनिंग द पोस्ट अप्लाइड फॉर तो आपको सबसे पहले तो एनवेलप के अंदर में आ, जो फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसे फिल करके एनवेलप में डाल देना है एनवेलप के ऊपर में आपको क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डी ऑफ रुपी वन तो बैंक से वन हंड्रेड का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आप इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे बाई पोस्ट या बाई हैंड आप सबमिट कर सकते हैं प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नियर जो कि घोरपड़ी मार्केट अपोजिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है लास्ट डेट पंद्रह जनवरी दो है इस दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं ये वैकेंसी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी यू आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहा है बाकी ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल सकती है तो आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं चलिए अगली वैकेंसी देखिए ये भी आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे से आ रही है जिस स्कूल की वैकेंसी अभी हमने आपसे डिस्कस की थी वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था यानी एडोक बेसिस पे था तो वहाँ पे आपको कंसोलिडेट पे प्रोवाइड किया जाएगा यानी फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाएगी लेकिन अब जो मैं वैकेंसी डिस्कस कर रहा हूँ सेम स्कूल में परमानेंट बेसिस पे भी वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपको रिक्रूट किया जाएगा थ्रू सी एस या ओ रेगुलर पोस्ट पर यह वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं पी में अकाउंटेंसी फिजिकल एजुकेशन केमिस्ट्री इंग्लिश फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इस पर वैकेंसी आपकी परमानेंट बेसिस पे है पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट एंड बेड विदिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन ईच टी में इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस में वैकेंसी है एलिजिबिलिटी क्या है देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ अ वैलिड स्कोर कार्ड इशूड बाई ए डब्ल्यू ई एस तो ए डब्ल्यू ई एस की तरफ से जो स्कोर कार्ड जारी किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए और सीटेड क्वालिफाइड आप होने चाहिए ठीक है टी जी टी के लिए एज क्राइटेरिया वही है फोटी ईयर्स और फिफ्टी सेवन ईयर्स रिसर्स के लिए फोर्टी ईयर्स और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिफ्टी सेवन ईयर्स आपको अप्लाई करने के लिए वही है ये परमानेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीस 20 जनवरी दो हज़ार चौबीस तक अप्लाई कर सकते हैं प्रोसीजर सारा सेम रहने वाला है आपको फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है उस पर आप मैंसन करेंगे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं हंड्रेड रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट अटैच करेंगे और उसके साथ में आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के वो सब अटेस्ट करके आप बाई पोस्ट ये सारी चीज़ें सेंड कर सकते हैं बीस जनवरी दो हज़ार चौबीस तक ये परमानेंट बेसिस के लिए है जिनके पास स्कोर कार्ड है उनके लिए ठीक है जिनके पास स्कोर कार्ड नहीं है उनके लिए वो पिछली वाली वैकेंसी थी ठीक है नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार से आ रही है यहाँ पर कुल तीन स्कूल हैं तीन स्कूल से कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है और इसमें भी कोई स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो एक डिटेल्स देख लेते हैं के करके हाँ देखिए सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट बेसिस पे आपकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट होने वाली है और फॉर एकेडमिक सेशन टू थाउजेंड जिसमें आप देख सकते हैं थ्रू सी एस बी यानी कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड इसके थ्रू आपका रिक्रूट होना है ठीक है इसके लिए कंडीशन क्या लगाई गई है देखिए आप सबसे पहले अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो अच्छी बात है वैलिड सी एस बी स्कोर कार्ड इशूड अप टू ट्वेंटी एट फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी इस दिन तक अगर आपके पास कोई सी एस बी स्कोर कार्ड है जो कि 28 फरवरी 2022 तक इशू किया गया है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं तो अभी आपने हाल में जो एग्जाम हुआ था पच्चीस छब्बीस नवंबर दो हजार तेईस को उसके भी रिजल्ट्स आउट हो गए हैं उसके लिए भी अगर आप उसमें भी अगर आपने क्वालिफाई किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो अगर आपके पास कोई स्कोर कार्ड नहीं है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन यूनिवर्सिटी मे ऑल्सो अप्लाई यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है एंड अपेयर फॉर इंटरव्यू वो इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं उनको भी चांस मिला है टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिसेंसी टेस्ट हावर आफ्टर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ आर टीचर रेगुलर एंड इनफिस्टम द कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द ओ एस टी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो तो अगर आप रिक्रूट किए जाते हैं बिना ओ एस टी कार्ड के सॉरी बिना हाँ कार्ड के तो आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा कब उसके लिए कैंडिडेट क्या है अगर रेगुलर बेसिस पे आप रिक्रूट किए जाते हैं तो दो साल के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा ठीक है और मिनिमम परसेंटाइज सेवेंटी परसेंट के साथ आपको दो साल के अंदर में ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा रिक्रूट होने के बाद तो वो तो हो ही जाएगा ठीक है ना उसके लिए आप तैयारी कर लेंगे और अगर फिक्स टर्म बेसिस पे अगर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप रिक्रूट किए जाते हैं तो विद इन वन ईयर आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ़ फोटी एंड मिनिमम पटीसाइज ऑफ परसेंटाइल ऑफ़ सेवेंटी ठीक है तो ये आप ध्यान में रखेंगे सच कैंडिडेट्स विदाउट ओ एस टी स्कोर कार्ड विल भी अपॉइंटेड ऑन एडु बेसिस एंड विल भीड एब्सॉर्ब्ड एज रेगुलर पोस्ट क्वालिफाइंग ओए टी विदिनमेंट परसेंटेज सेवेंटी परसेंट एंड ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ़ फिफ्टी परसेंट विद इन टू ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट फिलिंग विच डट अपॉइंटमेंट विल स्टैंड टर्मिनेटली ऑटोमेटिकली तो ओवरऑल आपका समरी यही हुआ कि जो कैंडिडेट्स जिनके पास ओ एस टी स्कोर कार्ड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट किए जाते हैं तो फिर आप दो साल के अंदर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी यानी टर्मिनेट कर दी जाएगी ठीक है अब देखते हैं वैकेंसी कहाँ कहाँ से आई हुई है तो देखिए जिसमें रेगुलर बेसिस पे यानी परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर के एंड से पीजीटी लेवल पे इंग्लिश की दो वैकेंसी फिजिक्स एक केमिस्ट्री दो बायो एक मैथ्स एक आईपी यानी कंप्यूटर में दो फिजिकल एजुकेशन दो पॉलिटिकल साइंस एक और टीजीटी में इंग्लिश एक हिंदी दो संस्कृत एक मैथमेटिक्स तीन फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक इकोनॉमिक्स एक जोग्राफी एक कंप्यूटर साइंस एक फिजिकल एजुकेशन एक और म्यूज़िक एक पी लेवल पर बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट में जिसमें मैथेमेटिक्स में एक है और इकोनॉमिक्स में एक है और इंग्लिश में एक है और टीजीटी फिज़िक्स में एक है हिस्ट्री में एक है ये आपकी रामगढ़ का झारखंड से वैकेंसी है और आर्मी पब्लिक स्कूल गया की बात करें तो यहाँ पे हिंदी में एक वैकेंसी है इंग्लिश एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक बायो एक कंप्यूटर साइंस एक और पी एक ठीक है लास्ट डेट सबमिशन की बाईस जनवरी दो है तो डेट भी है आपके पास फीस भी ज़्यादा नहीं है ठीक है जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई कर चा... करना चाहते हैं उसी स्कूल पे आप अपना बाई पोस्ट वो सेंड तो करेंगे जैसे आप गया के लिए अप अप्लाई करना चाहते हैं तो गया के एड्रेस पे सेंड करेंगे दानापुर कैंट रामगढ़ कैंट जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी एड्रेस पर आप अपना फॉर्म सेंड करेंगे ठीक है तो कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन ए वेबसाइट तो इस यू आर एल पर आप जाके विजिट करें वहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा यानी तो जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं दानापुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे उसे फिल कर देंगे फिल करके एनवेलप में डाल के हंड्रेड रुपीज़ का डी डी और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ अडेस्ट करके आप पोस्ट सेंड कर देंगे जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा वाया ई मेल यानी तो स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उन सभी के नाम पब्लिश कर दिए जाएंगे ठीक है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल तो बाय पोस्ट ही आपको सेंड करना है ठीक है तीनों की ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं तीनों स्कूल के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी हुई है ठीक है तो ये आपके पास जानकारी है जो कि ये तो एडवर्टीजमेंट वगैरह निकला था वही सेम चीज़ है जो देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन वगैरह आपको पता ही है पी की लैब के पास मास्टर्स होना चाहिए टी की लैब के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साथ में सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए ठीक है तो ये आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है और इसके बाद आप देख सकते हैं और कुछ इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन, 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 है नहीं बाकी ये सारी एज लिमिट की बात करें तो वही फ्रेश कैंडिडेट जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आज तक पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं किसी भी स्कूल में तो वो फोर्टी ईयर्स तक उनकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और बिलो फोटी फाइव यानी पाँच साल का एक्सपीरियंस इस कम्यूनिटी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के भी आप पे ठीक है तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिलेगा तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू की बात कर लेते हैं देखिए सैलरी एज़ पर ए डब्ल्यू एस गाइडलाइंस तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी होती है आपकी अगर परमानेंट बेसिस पे आप रिक्रूट किए जाएंगे तो ए डब्ल्यू ए आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है डेट ऑफ इंटरव्यू की बात कर लेते हैं एक बार तीस जनवरी दो चौबीस को पीजीटी लेवल पे जितने भी पोस्ट हैं पीजीटी और टीजीटी के इन सभी सब्जेक्ट्स में आपकी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाने हैं ठीक है इकतीस थी? जनवरी 2024 को पीजीटी और टीजीटी लेवल पे इन सभी सब्जेक्ट्स पे इंटरव्यू कंडक्ट किए जाने हैं और एक फरवरी 2024 को इन सभी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है लास्ट डेट मैंने बता ही दिया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट एट एट एम ऑन द शेड्यूल डेट्स ऑफ इंटरव्यू जो भी दिन है उस दिन आठ बजे आपको रिपोर्ट करना है शॉर्टलिस्ट शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर्स बोथ पी जी टी एंड जी टी आ रिटन टेस्ट विल कंडक्टेड टू एक्सेस बाकी का रिटन टेस्ट नहीं होगा ठीक है और ठीक है ये तो आपकी जानकारी है जो कि इंटरव्यू से जुड़ी हुई है और फिर वही है इंटरव्यू के बारे में ये बाकी जानकारी दी हुई है कि कैसे करना है एड्रेस फॉर सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द मोड ऑफ पेमेंट तो कहाँ कहाँ पे आपको सेंड करना है जैसे आप दानापुर कैंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्कूल का एड्रेस यहाँ आप पे आपको मेंशन किया हुआ है सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगी है ना और डीडी बनवाएंगे तो किन की फेवर में डीडी बनवानी है पेएबल है दानापुर कैंट ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर लिखी हुई है इसे आप एक बार चेकआउट करिए पी डी एफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं कह रहा था आपको डाउनलोड करने के लिए यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक है बाकी ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ये अच्छी वैकेंसीज थी जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल की, की तरफ़ से आ रही है परमानेंट बेसिस पे है इसे आप ज़रूर ध्यान दें और अगर आप एलिजिबल हैं या वैकेंसी की तलाश में हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें थैंक यू